दोस्तों 2022 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा बॉलीवुड हिला के रख दिया था। बॉलीवुड भी शौक था कि भाई हमारी फिल्मों के प्रमोशन में हम इतना खर्चा करते हैं, लेकिन इस फिल्म का खाली माउथ प्रमोशन पे 400 करोड़ बन गया। हाँ हाँ कुकु भाई, हमें पता है वो फिल्म कौन सी है, और उस फिल्म का नाम है कांतारा। सही पहचाना। कांतारा की बात करें तो कांतारा एक जो वो बहुत ही अलग फिल्म थी। इसका बजट जो वो सिर्फ 16 करोड़ था, लेकिन फिल्म ने 400 करोड़ का बिजनेस किया। भाई सिर्फ 400 करोड़ ही नहीं बल्कि दिल भी जीत लिए। हाँ हाँ वो भी। कांतारा फिल्म ने एक बात दिखा दी कि फिल्म चाहे छोटी हो लेकिन अगर कंटेंट में दम हो, फिल्म में दम हो, तो भाई 100 करोड़ क्या 400 करोड़ भी कमा सकती है। भाई फिल्म में तो दम होगा ही, क्योंकि जिस तरीके से एक्टर ने, डायरेक्टर ने या फिर फिल्म के जितने भी को-स्टार्स है अपनी एंड लेवल की मेहनत इस फिल्म के लिए दी है, तो सही बात है फिल्म तो सक्सेस होगी। हाँ भाई, और यहीं से पता चलता है कि ऑडियंस को कैसी फिल्में देखना ज्यादा अच्छा लगता है। ये ऐसी फिल्में जो बिना बॉयकॉट के 200 से 300 करोड़ कमा लेती है। एक मिनट कुकु भैया, बिना बॉयकॉट के मतलब? भाई फिल्म को बॉयकॉट करना भी एक प्रमोशन का पार्ट हो गया अभी के टाइम में। ठीक है, बहुत बात होगी, मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों कांतारा फिल्म को 100 डेज पूरे हो चुके हैं। अब इसी स्पेशल मोमेंट पे कांतारा के मेकर्स यानी कि ऋषभ शेट्टी और होमले फिल्म्स प्रोडक्शन एक बहुत ही बड़ी अपडेट रिलीज करते हैं, जहां पे वो कांतारा के प्रीक्वेल के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि अभी बहुत ही जल्द कांतारा का प्रीक्वेल देखने मिलेगा। और अगर कांतारा का प्रीक्वेल आ रहा है, इसका मतलब कि कांतारा 2 हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके। सही कहा कुकु भैया, हम लोगों ने ऑलरेडी कांतारा 2 देखी है, अभी जो आएगी वो कांतारा 1 यानी कि इस कांतारा के पहले वाले की कहानी होगी। हो सकता है इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी के पिता की कहानी बता दी जाए, या फिर दैव के ऊपर ये पूरी फिल्म आधारित होगी। अब इसका प्रीक्वेल है तो पता नहीं चलेगा कि कहानी क्या रहेगी। भाई कहानी जो भी हो, लेकिन कांतारा जो हमने देखी, इससे तो ये साबित होता है कि वो लोग इससे भी बेहतर स्टोरी और विजुअल्स लेके आएंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दैव की कहानी ज्यादा बताई जाएगी। ओके, वो कैसे? क्योंकि वो राजा की कहानी जो है वो पूरी तरह से अधूरी रह गई, जहाँ पे वो दैव को अपने साथ लेकर आता है। उसके बीच की कहानी जो वो काफी टाइम के बाद दिखाई गई, तो हो सकता है कि राजा जब दैव को लेकर आता है उसके बाद उसके साथ आगे क्या हो गया, ये भी कहानी में दिखाया जा सकता है। पर कुकु भैया, इसकी पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है, और उसके बारे में हम बात ना करें तो अच्छा है। खुद को सरप्राइज करने के लिए उस कहानी का वेट करते हैं जब ऋषभ शेट्टी इस फिल्म को बनाएंगे। तो दोस्तों कांतारा 2 जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम वेट करेंगे कांतारा 1 यानी कि इस फिल्म का प्रीक्वेल का। तो दोस्तों आप में से कितने लोगों ने कांतारा अभी तक देखी नहीं? भाई ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने कांतारा नहीं देखी। अरे भाई कोई अगर होगा तो भी जाकर इस फिल्म को देख लेना। अभी तो तुमको ये फिल्म थिएटर में मिलेगी नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स पे आपको फिल्म मिल जाएगी। तो दोस्तों आप में से कितने लोग जो वो कांतारा के प्रीक्वेल का इंतजार कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आपको फिल्म कैसी लगी ये भी कमेंट करना, और हमारा वीडियो भी कैसा लगा ये भी कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।